अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ भाई, ये धमकी देने में तेरे को पता है ना कितनी माहिर है। मुझे लगता है ये बैंकर नहीं है, खाली नाम के लिए होगी। इसका असली धंधा ना यही होगा, अमीर लड़कों के पास आओ, उनको उल्लू बनाओ और उनसे पैसे ऐठो। लेकिन मैं क्यों दूं पैसे यार, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। हाँ अभी तुझे समझ में आ रहा है ना कौन सही है कौन गलत है ना? क्यों क्यों पड़ी हो मेरे बेटे के पीछे, किस जन्म का बदला ले रही हो? Come with me, ABC. Come with me right now. Sir, please, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। वो बोल रहा था कि शट अप। कैसे कर सकती हो तुम ये सब? उस रात की बात दबाने के लिए इस हद तक गिर गई तुम। तुमने पैसे मांगे राजीव से। किस रात की बात? उस दारू वाली रात की बात कर रहा हूँ ABC. Of course, तुम्हें तो याद नहीं होगा। उसके लिए मैं उससे क्यों? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। Don't you dare lie. मेरा दोस्त झूठ नहीं बोलेगा, मुझसे बचपन से जानता हूँ उसको। किसी और औरत की इज्जत नहीं उछालेगा बिना मतलब के लिए, इतना चीप नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा चीप है वो। उसकी हरकतें, उसकी सोच सब। मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। उसे थप्पड़ मार के खुद को बचाया है मैंने। खुद को डिफेंड करने का हक है मुझे। डिफेंड करने का हक है, पर किसी और के ऊपर ऐसे घटिया इल्जाम लगाने का हक नहीं है। ये मेरी जगह अपने दोस्त से क्यों नहीं कहते जो मुझ पे मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है वो झूठा मक्कार। Enough, सामान संभाल के बात कर। नहीं करूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। गलत वो है, आप उसे सही नहीं ठहरा सकते। आप शेखर सर से पूछिए ना, उन्होंने कहा था मुझे यहाँ वेट करने के लिए। मैं तो यहाँ थी ना, वो आया पीछे पीछे मेरा हाथ पकड़ा बदतमीजी की। और आप एक मिनट क्या बोल रही हो? साबित करो ना, ये सबूत तो नहीं होगा तुम्हारे पास है? हेलो, पूछ रहा हूँ ना, सबूत है क्या तुम्हारे पास? तुम्हारे गाल पे जो निशान है वो सबूत काफी नहीं है। ABC बेकार की बातें बंद करो। मैं चुप नहीं रहूंगी, अपने ऊपर कोई गलत इल्जाम नहीं सहूंगी। मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर तुम मेरे या मेरे परिवार के बारे में कुछ बोलोगी। राजीव इज फैमिली नाउ। मम्मी की शादी हो रही है उससे। वही तो मैं कह रही हूँ, बचा लीजिए उसे, किसी से शादी करने लायक नहीं है ये। बस बहुत हो गया और बहुत हो गई बेइज्जती, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ बबीता जी, अब बहुत हो गया, हम अभी इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ते हैं। मैं समृता तुम्हारे लिए ना लगी रहती होगी लड़कों की लाइन, ऑप्शंस पे ऑप्शंस होगी तुम्हारे पास, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ ऐसा नहीं है जैसे मैं हूँ, जैसे मैं देखती हूँ। तुम नहीं समझोगी, तुम नहीं समझ सकती। निम्रत तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें कोई कम ऐसे ही मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मुझे देखते ही लड़के वाले तभी जुबान में बात करने लगते हैं मेरे रंग को लेकर, मेरे दबे रंग को लेकर, अपने फ्यूचर पोते पोतियों के दबे रंग की फिर करने लगते हैं मुझे देखकर। लेकिन मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, कोई नहीं सोचता। निम्रत
राजीव तुम्हारे लायक नहीं है। शट अप। ये डिसाइड करने वाली तुम होती कौन हो? Who the hell are you? राजीव बहुत अच्छा लड़का था, उसने कभी मुझे नहीं देखा, मेरे रंग को नहीं देखा, मेरे दिल को देखा, उसने मुझसे प्यार किया, सच्चा प्यार किया। तुमने सब बर्बाद कर दिया, सब खत्म कर दिया। ऊपर से ये न्यूज कल अखबार में भी आ जाएगी, वो अलग। आजकल तो जमाना भी सोशल मीडिया का है। हाय हाय, हम पे तो सब हंसेंगे, हम बाहर कैसे निकलेंगे, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? हे भगवान, अब क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग? राजीव से मैं बात करूंगा ना, मैं मना लूंगा उसको, छोड़िए, छोड़ बेटा। अब सब कुछ ठीक कर देगा, सब चंगा हो जाएगा, तू भरोसा रख। इट्स ओवर भाई, इट्स ओवर, सब खत्म हो गया। कल को न्यूज़पेपर में सब कुछ छप जाएगा कि मेरी शादी टूट गई, मेरे दोस्त, मेरे सबको पता चल जाएगा, सब हंसेंगे मुझ पे, दुनिया बहुत छोटी है भाई, मुझ पे हंसेंगे, हम सब पे हंसेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुन, कुछ नहीं होगा, ऐसा बेकार की बातें मत कर, मैं हूं ना। हां बेटा, मैं प्रेस को संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर। संभाल अपने आप को बेटा, कुछ सही नहीं होगा भाई, सब खत्म हो गया, मेरी लाइफ खून के आंसू रुलाऊंगा मैं, खून के आंसू। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मिनट का बोल के पता नहीं कहां रह गया ये लड़का। भवन, ये सब तेरी गलती है, सर पे चढ़ा रखा है तूने उस लड़के को। ले, आ गया तेरा लाड साहब। दवाई लेने गया था कि संजीवनी बूटी लाने, अब भी उसके अकल ठिकाने लगा। तू रुक, जाने दे, अरे बच्चा है। बच्चा है ना, देखती हूँ तेरे बच्चे को, ऐसे कैसे इतनी देर लगा दी उसने। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।